दोस्तों, तो मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा। आयुर्वेदिक ब्यूटी विद नेहा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक छोटा सा टिप लेकर आए हैं जो कि बहुत यूजफुल भी हो सकता है, एंड यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमने थोड़ा सा इसे इनोवेटिव करने की कोशिश की है। अक्सर क्या होता है ना, आजकल हम लोग घर पर हेयर कट बहुत ज्यादा करते हैं, एंड बार बार लॉकडाउन पड़ रहा है, इसकी वजह से भी हेयर कट ज्यादा करते हैं। या फिर आपके लंबे लंबे बाल हैं तो आपको पार्लर्स पे कट कराने में भी डर लगता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी उनको शॉर्ट कर देते हैं। तो ऐसे में जब आप हेयर कट करते हैं, आपको काफ़ी अच्छी लेंथ आपकी कट हो रही होती है, तो आपको लगता है काश इन बालों का कुछ हो सकता, रियल हेयर है आखिर आपके। तो रियल हेयर्स का ही आप घर पर बहुत ही आसान सा एक हेयर एक्सटेंशन कैसे तैयार कर सकते हैं खुद अपने बालों का, चलिए देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जब आप हेयर्स को कट करते हैं तो वो कुछ इस तरह से हो जाते हैं। तो अब हमें इसको मैनेज कैसे करना है, यदि आपके बालों में कुछ लंबी स्ट्रेंथ कट हुए हैं तो आप उनको सेम डायरेक्शन में रखते हुए उस टाइम पे आप इनको पिन से, किसी भी सेफ्टी पिन से या फिर हेयर पिन से सिक्योर कर लीजिए। तो ये सारे के सारे हमने सेम डायरेक्शन में अच्छे से इस तरह से कुछ प्लेस किए हैं और एकदम इनको फ्लैट कर लीजिए। अब यहाँ पर है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आप इसको एक साथ कॉम कीजिए, अदरवाइज जो भी ऊपर नीचे के बाल होंगे वो फोल्ड हो गए होंगे, वो सारे सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो ये स्टेप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉम करने से क्या होता है ना, जो भी बाल यहाँ पर उल्टे सीधे होते हैं ये सारे नीचे की साइड निकल जाएंगे। अब हमें यहाँ पर एक ब्लैक कलर का ही टेप चाहिए। ब्लैक कलर का टेप आप यदि बिजली का काम करते हैं या कोई भी इस तरह का आप घर पर रिपेयर भी करते हैं तो ज़रूर हर किसी के घर पर होता ही होता है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा इसका जो स्टिक है ये भी बहुत अच्छा होता है। तो इसे हमें किस तरह से सिक्योर करना है ये तरीका और देख लीजिए, क्योंकि यदि आपने इसमें गड़बड़ की और जब आप इन एक्सटेंशन को अपने बालों में लगाएंगे तो जो टेप का स्टिकनेस है ये आपके बालों में भी आ सकता है, जिसकी वजह से आपके बाल इस पर स्टिक होकर टूट सकते हैं। तो इसको स्टिक करने का तरीका, सबसे पहले हमने सारे बालों को अच्छे से फ्लैट करके इस पर स्टिक किया। अब इसके ऊपर से हमने दोबारा से अगेन टेप को घुमा दिया तो जो भी दोनों का स्टिक है वो आपस में मिल गया है, लेकिन फिर भी बाल और अच्छे से सिक्योर हो जाएं और यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा स्टिकनेस नहीं रहे। तो सेम इसी तरह से हम टेप के ऊपर दोबारा से एक बार टेप रख देंगे और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी अलग से स्टिकीनेस नहीं रहेगा। बस ये हो चुके हमारे अच्छे से सिक्योर। अब बस इसको हम एक बार कॉम करेंगे, ये देखिए। और जो भी यहाँ पर आपको यदि बालों को नीचे से कटिंग देनी है या फिर एंड ऊपर के जितने भी बाल टेप के बाद बचे हुए हैं इस सबको हम ज़रूर कट करेंगे, अदरवाइज जब आप इनको बालों में क्लिप करेंगे तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है। ये आपके ना छोटे छोटे ऐसे करके ऊपर उठे हुए दिखेंगे, तो इनको ऊपर से शार्पली कट कर लीजिएगा, एंड नीचे आप जिस तरह की भी कटिंग देना चाहते हैं उस तरह की कटिंग ज़रूर दे दीजिएगा। तो ये तो हुई हमारी ऊपर की शार्प कटिंग, और सेम इसी तरह से हम नीचे के बालों में भी कटिंग देंगे, आप जो भी कटिंग देना चाहें। तो ये आपका एक एक्सटेंशन रेडी हो चुका है। आप इसी तरह से कई सारे एक्सटेंशन बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब इनको बालों में कैसे क्लिप करना है, तो जो ये टिक टैक वाले पिन आते हैं इसकी हेल्प से आप इसको बहुत ही आसानी से बालों में प्लेस कर पाएंगे। तो इस तरह के दो टिक टैक पिन लें और दोनों साइड से इसको लगाएं। तो ये देखिए कुछ हमारे एक्सटेंशन बनकर रेडी हैं। अब जहाँ पर भी जैसे आपको आगे से हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है, यानी बहुत कम बाल हैं, तो आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं इसको। आप थोड़े से बालों को ऊपर मांग से निकाल लें क्रॉस करके और इस तरह से लगा लें। अभी मैं आपको लगा हुआ दिखा रही हूँ कि ये देखिए इस तरह से हमने लगा रखा है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं एक बार दोबारा से आपको ये खोलकर, ये देखिए दोबारा से प्लेस करके दिखाती हूँ कि कैसे आप इसको इजीली प्लेस कर सकते हैं अपने बालों में। तो इस तरह से हम बाल लेंगे
ऊपर के बाल एक मांग की हेल्प से निकाल लेंगे और बस ऊपर के बालों से इसको कवर कर लेंगे। तो इसे आप हेयर थिनिंग के लिए या फिर आपको मोटी चोटी बनानी है तो उसके लिए आप यूज में ले इसी सकते तरह हैं। से आप अपने फ्रंट के लिए भी हेयर्स कट करके यूज कर सकते हैं। आप जिस तरह का भी हेयर एक्सटेंशन चाहते हैं, यदि मान लीजिए कभी आपकी लंबी स्ट्रेंथ कट हो रही है या फिर आप लंबे बालों को कट करा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कभी हमने लेयर कट कराया, हमारे अच्छी खासे बालों की लेंथ है, इतने बाल कट कराए हमने और इतने सारे बाल हमारे जब बचते हैं, तो आप इससे लंबे लंबे हेयर एक्सटेंशन भी तैयार कर सकते हैं। साथ ही आप आगे के लिए हेयर बैंक भी तैयार कर सकते हैं। तो ये सब आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इसको यूज करेंगे। ये आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज जरूर एक लाइक कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।